नमस्कार, मैं शालू तोमर। आप देख रहे हैं यूपी 24 न्यूज। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के 6 महीने पूरे हो गए। इस 6 महीने चली सरकार को लेकर अब तक क्या थी जनता की राय, इस पर यूपी 24 न्यूज की टीम ने व्यापारियों, महिला और अन्य लोगों से भी बात की, लेकिन इस 6 महीने से इस सरकार से लोग कम संतुष्ट दिखे। योगी जी ने जो वायदे किए थे कि 30 सितंबर तक गड्ढा मुक्त सड़कें बनवाएंगे, तो आज तक तो हमें ऐसी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। गड्ढे पहले से ज़्यादा हो गए हैं। योगी जी ने कहा था कि शराब आदमी खुले में नहीं पिएगा, तो ठेकों में अब तो आदमी ठेकों में बैठ के रोड पे खुले में शराब पी रहा है, उस पर कोई अंकुश नहीं है। प्रशासन व्यवस्था पूरी तरह से विफल नज़र आ रही है। बहन बेटियों को रोड पर निकलने में भी दिक्कत आ रही है। तो इस तरीके से कुल मिला के योगी सरकार पूरी पूर्ण रूप से विफल है। देखिए, जब योगी सरकार बनी तो उम्मीद तो बहुत जग गई थी। ऐसा लगा था कि एकदम से कोई नया परिवर्तन आने वाला है, एक नया युग देखने वाले हैं, और शुरुआत भी अच्छी हुई। जैसे एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हुआ तो वो हमारे समय की बहुत बड़ी मांग थी। उस समय की महिला सुरक्षा पर हम तब भी प्रखर रूप से बोलते थे कि महिलाएँ सुरक्षित नहीं हैं, बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड का जब गठन हुआ तो हमें लगा अब बेटियां सड़कों पर सुरक्षित हैं। लेकिन थोड़ा सा दुख का विषय है कि लगा लगभग 1 महीने ये कहानी चल के फिर वहीं की वहीं बंद हो गई। आज भी आप देखिए तो शहर के गांधी पार्क को देख लीजिए, एमजी कॉलेज के बाहर देख लीजिए, या शाम के टाइम जहां से भी कोचिंग सेंटर से बच्चियां छूटती हैं वहां आप देख लीजिए, फिर से वैसे ही रोमियो के झुंड खड़े रहते हैं। मालूम नहीं क्यों पुलिस तभी देखती है, जब कोई एक आंदोलन चलाया जाता है तभी इन चीज़ों पर ध्यान देती है, फिर ये स्वतः ही बंद हो जाता है, जबकि इन चीज़ों की तो आवश्यकता है कि रेगुलर रूप से चलती रहें। इसके अतिरिक्त एक घोषणा सुनी थी कि सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। अब गड्ढा मुक्त हो रही हैं, गड्ढा युक्त हो रही हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। ज़रा सा भी थोड़ा आगे निकल जाएं, सड़कों पर एटा रोड चले जाइए, अपनी जिले से रोड चले जाइए, ये शहर के अंदर ही घूम लीजिए, ऐसे गड्ढे हैं कि बरसात में अगर दिखाई ना दे तो पूरी मोटरसाइकिल ही उसमें घुस जाए। तो गड्ढा युक्त सड़कें वहीं की वहीं हैं। समझ नहीं आ रहा है कि आदेश ऊपर से होता है, अगर वो नीचे लागू ही नहीं हो रहा तो ऐसी सरकार को हम सफल कैसे कहें। अब घोषणा तो पहले के मुख्यमंत्री भाई अच्छी करते थे, प्रॉब्लम तो ये थी कि उनका टीम वर्क अच्छा नहीं होता और नीचे आते आते हम लोगों को, आम जनता को फ़ायदा नहीं हो पा रहा था। वही चीज़ योगी सरकार में होने लगी है। अब गाय के लिए ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बेटियां सड़कों पर फालतू परेशान है, तो भाई गाय को भी देखिए, लेकिन पहले इन बच्चियों को तो देख लीजिए, ये सुरक्षित रूप से पढ़ाई कर लें, इनकी पहले ज़्यादा ज़रूरत है। महंगाई के विषय में भी आप बात कर लीजिए, तो हमें तो महंगाई में भी नहीं लग रहा कि कहीं कोई परिवर्तन है, कुछ बढ़ ही गया है, घटा कुछ नहीं है। व्यापार तो इस समय कुछ है नहीं, और जो है शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था में भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं है, और जो है गुंडागर्दी पे थोड़ा अंकुश लगा है, लेकिन काफ़ी कुछ उसमें भी सुधार की ज़रूरत है। व्यापार की स्थिति क्या है? व्यापार तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, इस समय व्यापार है ही नहीं, लोगों के पास पैसा नहीं है। किन कारणों से क्या क्या? एक GST लगने के कारण से व्यापार में लोगों को मालूम नहीं है अभी तक क्या होना है उसमें, तो इस वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। दीपावली का त्यौहार है, आपको भी उम्मीद रहती है कि त्यौहार पे दुकानदारी अच्छी होती है, क्या लग रहा है इसमें? दीपावली कारोबार जो जहाँ था वो वहीं पर रुक गया है। पैसा नहीं है बाजार में, जो मार्केट में GST के कारण काफ़ी लोग काफ़ी परेशान हैं, लोगों को जानकारी नहीं है। महंगाई को किसने देख रहे हैं, महंगाई बढ़ी है कम हुई? महंगाई तो बढ़ी है, कम नहीं हुई है।